अगर आप एक से ज्यादा जीएसटीन यूज करते हैं, मीन्स चाहे आप अलग अलग स्टेट में सप्लाई करके यूज करते हो, मतलब जीएसटी नंबर आपके पास डिफरेंट है, उत्तर प्रदेश का लाइक अलग है और दिल्ली का अलग है आपका, या फिर अगर कैटेगरी वाइज देखें तो आपका प्रोप्राइटरशिप का अलग है, पार्टनरशिप का अलग है और कंपनी का अलग है, तो कई सारे जीएसटी अगर आप यूज कर रहे हैं। और उसमें दूसरी बात ये आती है कि उन जैसे सपोज मैं अगर आपको यूज बोलूं तो आप पार्टनरशिप का भी यूज कर रहे हैं और प्रोप्राइटर का भी यूज कर रहे हैं, इन केस आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप वाला मैं कैंसिल करा के जीएसटीन और प्रोप्राइटर का ही आगे कंटिन्यू करूं, मींस पहली बात तो ये हो गई कि आप अपना एक जीएसटीन कैंसिल कराना चाहते हैं। आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसमें मैं इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आप किस किस वे से कैंसिलेशन करा सकते हैं और कैंसिलेशन के वे क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और आज जो ये वीडियो होगी, ये वीडियो में केवल आपको थोड़ी सी ये कैंसिलेशन की झलक दिखेगी कि कैसे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, उसके टर्म्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने जीएसटी से रिलेटेड ही नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि कैंसिलेशन आप कैसे करा सकते हैं, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको टाइप्स की जरूरत होती है कि कैंसिलेशन किस प्रकार से हो सकता है। कैंसिलेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो आप सेल्फ करा दो कैंसिलेशन, मींस जीएसटी पोर्टल पे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं उस फॉर्म के थ्रू आप सेल्फ कैंसिलेशन करा लो, या फिर आपको सो कॉज नोटिस आए, मींस सुओ मोटो भी बोलते हैं जिसे, ऑफिसर के थ्रू रिप्लाई आना, वो बोलते हैं कि टैक्स ऑफिसर जो आपका है, असेसिंग ऑफिसर जो है आपका, वो आपको डिमांड रेस करता है कि आपने कुछ ऐसी मैं उसे बोलूं सर्कमस्टांसेस हैं जो आपने फॉलो नहीं किए, उनके कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस हैं जो आपने फॉलो नहीं किए हैं, उसके बेस पे वो कहते हैं कि अब आपका जीएसटीन कैंसिल हो सकता है। हालांकि उसका कुछ प्रोसीजर है, वो ऐसे डायरेक्टली आपको कैंसिल नहीं कर सकते आपका जीएसटीन, आपको प्रॉपर सारी चीजें दी जाएंगी, नोटिस दी जाएगी, आपको टाइम दिया जाएगा, पूरी मतलब टाइमिंग ऑफ बीइंग हर्ड, पूरा टाइम आपको दिया जाएगा प्रॉपर कि हाँ अब आपका जीएसटीन कैंसिल होगा अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, या फिर उसके बाद भी अगर आप उनको मतलब ऑफिसर को पूरी तरह से आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो वो तो हो गई ऑफिसर की बात, और दूसरा कि आप खुद से कैसे करा सकते हैं। खुद से कराने के लिए भी दोस्तों आपके पास कई सारे टर्म्स होते हैं, जिसमें मैं बेसिकली आज तीन पॉइंट्स कवर करूंगा कि खुद से अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो क्या क्या यूज होना चाहिए। पहला पॉइंट जिसमें आता है कि आपका बिजनेस जो है आपने सोल्ड आउट कर दिया है, मींस अगर आप पार्टनरशिप चला रहे थे तो वो पार्टनरशिप दूसरे के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है, या फिर आपने सेल कर दिया है उसे, तो अब आप अपना जीएसटीन कैंसिल करा सकते हैं फॉर्म के थ्रू। वो फॉर्म के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप फॉर्म के थ्रू कैंसिलेशन उसको डाल सकते हैं उसमें। और पहली बात तो आपको मैं क्लियर ये बता दूं कि आप डायरेक्टली कुछ चीज तो कैंसिल कर नहीं सकते, आप ऑप्ट कर सकते हो। ये जो वर्ड है ना ऑप्ट, ऑप्ट मतलब कि आप एक रिक्वेस्ट डाल रहे हो जीएसटी पोर्टल पे कि अब मेरे इस जीएसटीन का कोई यूज नहीं रह गया है तो कृपया इसे कैंसिल कर दें। जीएसटीन जब कैंसिल होगा आपका, जब असेसिंग ऑफिसर आपकी उस रिक्वेस्ट को देखेगा, वो सारी फॉर्म्स में आपने जो डिटेल्स भरी होंगी वो सारी डिटेल्स को वो वेरीफाई करेगा, अगर वो सेटिस्फाई है कि आपका जीएसटीन कैंसिल होना चाहिए तो वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। मींस तीनों बेसिक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसमें से एक जो मैंने बताया उससे हट के ये पॉइंट है कि आप डायरेक्ट तो कैंसिल कर नहीं सकते, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, और ऑप्ट का प्रोसीजर और फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर वो पूरी एक सीरीज वीडियोस इसकी बनेगी, मैं आपको इस पूरी वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। ये वीडियो केवल मैं इंट्रो के लिए बता रहा हूं कि आप कैंसिलेशन कैसे करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि आपने बिजनेस को सेल आउट कर दिया है या फिर बिजनेस आपका टेक ओवर हो गया है, तो जो अदर एंटिटी होगी, मींस जो अगली एंटिटी आपको टेक ओवर कर रही है, या फिर जिसे आप बोल दें कि परचेजर कंपनी जो होगी, उसके नाम से आप जीएसटीन बनेगा, आपका पुराना जीएसटीन कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, आपका टर्नओवर इतना है, मींस आप पहले माइग्रेटेड आए थे, स्टार्टिंग में जब जीएसटी आया था तो उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ना चाहते हुए भी जीएसटी लेना पड़ा था,
वो कैंसिलेशन के लिए उन्होंने कुछ ने तो तुरंत ही डाल दिया था, बट कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, या फिर ऐसा बिजनेस ही मेरा है जिसमें मुझे कंपलसरी लेना पड़ेगा, लाइक इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो आप जीएसटी कैंसिल नहीं करा सकते। हाँ, ऑप्शन है आपके पास कि आप कैंसिलेशन के लिए डाल सकते हैं, उसके लिए आपको कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो आप पूरी करेंगे फिर आपका कैंसिलेशन हो सकता है। बट ये मैंडेटरी हो गया था कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। अब अगर आप कैंसिलेशन कराना चाहते हैं तो इस केस में आपका तो या तो थ्रेशोल्ड लिमिट जिसे हम बोल रहे हैं, जैसे वो मीन्स कहीं 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, वो एप्लीकेबिलिटी जो है आपकी, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी कम है, मीन्स कैंसिलेशन का सबसे पहला पॉइंट आपका इस सेकेंड पॉइंट में ये आना चाहिए कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कम हो। मतलब 20 लाख अगर आप सपोज करके चल रहे हैं तो 20 लाख से अंदर ही आपका टर्नओवर जा रहा हो तब आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपने उसी में थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई अगर जहां पे नहीं हो रही है आपकी, मान लीजिए टर्नओवर ज्यादा है और बट आपकी एग्जेम्प्टेड सेल में जाती है, फिर आप कैंसिलेशन कराना चाहते हो, मीन्स आपकी पूरी सेल्स एग्जेम्प्ट हो गई है तो आप कैंसिलेशन कराना चाहते हो, तो वो भी इसी पॉइंट में कवर हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। मैंने अभी तक दो बेसिक पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट ये था कि या तो आपका बिजनेस सेल आउट हो गया है, टेक ओवर हो गया है, या फिर किसी और अदर एंटिटी ने आपको एक्वायर कर लिया, टेक ओवर में ही वो कवर हो गया। दूसरा पॉइंट बेसिक आपका ये है कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, मीन्स आपने माइग्रेटेड हो, आप पहले से वैट से लेकर के आप इसमें जीएसटी में आए हो। माइग्रेशन का मतलब मैं सीधे सीधे बताना चाहूंगा कि पहले जो लोग वैट यूज करते थे, वैट से सीधा उन्हें जीएसटी में लाया गया, वो टैक्स अमेंडमेंट के बाद आपको ऐसे कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स आ गए थे उसमें जिसकी वजह से आपको जीएसटी लेना पड़ा था। तो वो एक पॉइंट हो गया, आपने जीएसटी ले लिया कि कुछ लोगों ने तुरंत कैंसिल करा था, बट जो नहीं कर पाए थे अगर वो कैंसिल करना चाहते हैं तो उनको दो चीजें बात ध्यान रखनी होगी। पहली बात कि आपकी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है, मींस अगर आप किसी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एरिया में रहते हैं तो वहां की जो एप्लीकेबिलिटी है थ्रेशहोल्ड लिमिट की, उस लिमिट को आप चेक करें, इसके अंदर आपका टर्नओवर आना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन, आपका जो सप्लाई आप करते हैं वो एग्जेम्प्टेड है तो आप कैंसिलेशन कराना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स तो हालांकि वैसे भी नहीं जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि इसमें मैं जीएसटी का चक्कर में ना पड़ के मैं इसे कैंसिलेशन करा लूं, वो आपकी मर्जी है। ये तो हो गए आपके दो बेसिक पॉइंट जो जीएसटी में कैंसिलेशन कराने के लिए जरूरी होते हैं। तीसरा आपका है वॉलंटरी बेसिस पे आप कैंसिलेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। और वॉलेंट्री में सबसे जरूरी बात है कि अगर आपने खुद अपनी मर्जी से जीएसटी लिया था और अब आप खुद अपनी मर्जी से चाहते हो कि मैं कैंसिलेशन करा लूं, तो दोस्त इतना पॉसिबल नहीं है, इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको एटलीस्ट उसको जीएसटी 1 साल तक रन करना होगा, 1 साल तक आपको प्रॉपर रिटर्न करनी होगी, 1 साल के बाद ही आप वॉलेंट्री जीएसटी को कैंसिल करा सकते हैं। तो ये थे हमारे तीन बेसिक पॉइंट्स जो कि इस वीडियो में मैं कवर करना चाहता था कि कैंसिलेशन अगर आप जो दूसरा टाइप है मींस खुद से अगर आप करना चाहते हैं कैंसिलेशन तो वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अगर टैक्स असेसिंग जो ऑफिसर हैं वो अपने वे से कैंसिलेशन के लिए कैसे आपको नोटिस भेज सकते हैं या क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको कैंसिलेशन के लिए सोकोज नोटिस आ सकता है, वो दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद इसी वीडियोस के रेगुलर कंटेस्ट में मैं बातें करूंगा कि मतलब प्रॉपर अगर आप देखा जाए तो प्रॉपर कैंसिलेशन कैसे आप कर सकते हैं खुद से, या फिर अगर नोटिस आती है तो नोटिस का रिप्लाई कैसे करना होगा, ये वीडियो की पूरी एक सीरीज होगी जो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ही आपको अवेलेबल होगी और नेक्स्ट बाई नेक्स्ट सारी वीडियोज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। बाकी की पहले जितनी भी वीडियोस हैं जीएसटी से रिलेटेड आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी जीएसटी की वीडियोस बनाई है, अभी रिसेंट में मैंने फॉर्म्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई थी और मेरी अदर वीडियोस भी हैं जो आप चाहें तो मुझसे देख सकते हैं सेम यूट्यूब चैनल में। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि टैक्स फॉर वेल्थ जो है वो इस समय अमेजॉन फायर टीवी पे, एंड्रॉयड टीवी पे, एप्पल टीवी पे और आपका क्या बोलते हैं अमेजॉन फायर टीवी वगैरह सब पे है अवेलेबल। आप फॉलो करना चाहें
तो हमें आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस से अगर आपको कोई मींस कमेंट उधर के आता है या कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में क्वेरी भी ले सकते हैं। जैसे कि एक लास्ट वीडियो थी सर की, उस पर एक क्वेरी आई थी कि सर जीएसटी से रिलेटेड मुझे रिटर्न्स भरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस क्वेरी का हमारा जो सोल्यूशन था वो आप जा करके उस वीडियो पर खुद देख सकते हैं कि हमारा विद इन सम आवर्स आपका रिप्लाई हमने कर दिया था। तो उसके बेस पे हमारी आपकी जो कॉन्टिन्यूटी है हम हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। तो आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि हमारी वीडियो से आपको मींस क्या क्या क्वेरीज निकल के आ रही हैं, क्या क्या डाउट्स आपको हैं जो आपके सॉल्यूशन में चाहिए। हम हमेशा आपके हेल्प के लिए बने हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।